हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और हैप्पी नवरात्रि। आज स्पेशली होने वाला है नवरात्रि के अष्टमी के लिए मेकअप। वैसे नवरात्रि में ये मेकअप आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और सटल है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। सबसे पहले तो स्किन केयर करना है, जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि स्किन केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। और वो कैसे फॉलो करना है, सिंपली आपको रोज़ वाटर और सीरम अप्लाई करके अच्छे से मसाज करना है ऑल ओवर अपने फेस पे, अपने नेक में जो भी बचा हुआ हो सीरम वो अपने नेक में लगा लें, वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका फेस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना आपका नेक भी इम्पॉर्टेंट है। और आप एक्स्ट्रा ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, लेकिन 2 ड्रॉप्स इनफ है सिर्फ फेस के लिए, बाकी आप नेक के लिए लगा लें। अगर आपको वो भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये सीरम थिक था इसलिए मैंने नेक में भी एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं ली, बस उसी को अप्लाई किया। और ये रॉन्जाइल का लिप ग्लॉस है, लिप ऑयल भी कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है लिप को। तो मैं मेकअप करने से पहले इसको लगा लेती हूँ जिससे मेरा लिपस्टिक एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथली हो। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ रियल में जो मेकअप करते हैं उसी का स्टेप। अब स्किन केयर ओवर हो गया, अब हम डायरेक्ट करेंगे मेकअप। तो मेकअप में मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है और ब्लश और लिपस्टिक। इससे ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ओवर ज़्यादा लगने लगता है और आपका अगर स्वेटिंग के कारण अगर थोड़ा सा मेकअप हिल भी गया तो इतना फेक नहीं लगता, वो एकदम नेचुरल ग्लो देता है अगर आप थोड़ा सा करते हैं। और अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर वो पैचेस शो करने लगते हैं क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग गरबा। तो अभी हम देखेंगे इसे, मैं एक साइड अपने हाथ से ब्लेंड करके दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको फ़र्क दिखे कि कितना स्मूथली ब्लेंड हुआ है। और दूसरी साइड हम स्पॉन्ज से ब्लेंड करेंगे इसे। तो दूसरे साइड हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर लास्ट में मैं वहाँ पे भी टचअप कर लूँगी जहाँ पे मैंने हाथ से किया था। आप तो देख सकते हैं कि जिस साइड मैंने हाथ से किया है उस साइड भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे क्यों चांस लें इसलिए हम लास्ट में इसे कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो जिस टेक्निक से मैंने डैब डैब करके ब्लेंड किया है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि जो आपका कंसीलर या जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही इजीली स्मूथली ब्लेंड होने वाला होना चाहिए। कुछ जैसे कुछ फाउंडेशन या कंसीलर इजीली ब्लेंड नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और पैची लगते हैं, जिसके लिए मस्ट है कि आप ब्लेंडर से ही उसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक, जो कि बहुत ही मेजर स्टेप होने वाला है। और लिपस्टिक को ही मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी यहाँ पे, जो भी लेफ्ट ओवर हमारा बच जाएगा ब्रश में, क्योंकि मैं ब्रश से ब्लेंड करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है और आउटलाइन पूरे लिप्स को अच्छे से देता है, इसलिए मैं ये लिपस्टिक ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और इसकी हेल्प से मैं पहले लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड किया ऑल ओवर अपने लिप्स में, देन जो लेफ्ट प्रोडक्ट था उसको मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया है। ये बहुत ही रेडी टू गो वाला मेकअप है, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट की नीड नहीं होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इजीली ये मेकअप कर सकते हैं और अपने गरबा नाइट में 4 चांद लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप डिफरेंस, एक साइड मैंने ब्लश लिया है और एक साइड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ही आपको ब्लश लेना है, ओवर नहीं करना है। अब हम बिंदी में आएंगे तो नेचुरल बिंदी जो मिलती है उसके नीचे मैंने ये छोटा सा डैश बनाया है और हम छोटी सी बिंदी या फिर छोटा सा उसी लाइनर से डॉट बना देंगे। और स्पेशली गरबा के लिए लाइनर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लाइनर आपको कहीं से भी जुगाड़ना है या कहीं से भी रखना ही है आपके पास, क्योंकि हमें वो डॉट्स वाला इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा रोल, तो हमें लाइनर से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बाल पे आएंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अपने बाल का, तो पहले मैंने ये किया है। आप देख सकते हैं इसके ब्यूटी शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब इसके बाद अगर आपको थोड़ा डिफरेंस लाना है आप तो ज्वेलरी में कर सकते हैं डिफरेंस। आप एक भी ज्वेलरी कम करेंगे आपका नया लुक आपके सामने आएगा, या फिर आप डिफरेंस कर सकते हैं अपने हेयर स्टाइल में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि घर में वीडियो शूट करते टाइम कुछ ना कुछ
तो फेस करना ही पड़ता है, तो मैंने ये फेस, तो बहुत ही ज़्यादा फेस लुक में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा और न्यू देखने मिलेगा। और अगर आपको ड्रेस से रिलेटेड चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ड्रेस में तो आपको मिस एंड मैच करके आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख सकते हैं। और आप चुनरी अगर आप बदलेंगे या डिफरेंस करेंगे, उसमें मतलब मिस मैच करेंगे अपने जो भी लहंगा चोली है, तो आपका नया आउटफिट बन जाएगा। वैसे ही हम इस ज्वेलरी में भी वही कर रहे हैं, और हेयर स्टाइल में आप कोई सी भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। आपको हाफ खुले बाल रखने हैं तो आप हाफ रख सकते हैं, आपको पूरे रखने हैं खुले तो वे बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत लगती है तो उसके लिए आप पोनी कर सकते हैं, फिर स्टाइल कर सकते हैं, ब्रेड कर सकते हैं, और जो मन करे आपका आप वो कर सकते हैं। इस नवरात्रि एंजॉय द ब्यूटी शॉर्ट्स, और ये जो शॉर्ट्स मैंने बनाया है वो स्नैपचैट से बनाया है, तो सारी लड़कियां यही करती हैं, तो आप धोखे में ना पड़ें और सावधान रहें, सतर्क रहें, और एंजॉय दिस वीडियो।